देखिए फ्रेंड्स, आज हमने बनाई है कबाब। कबाब के नाम से लगता है नॉन वेज, लेकिन आज हमने बनाया है बहुत ही हेल्दी हरी भरी सब्जियों से भरे कबाब, हरे भरे कबाब। उसके साथ हमने बनाई है दो तरह की चटनी। ये रेस्टोरेंट्स में मिलती है, जो ग्रीन चटनी दही वाली, ये जो नॉर्मली हम घर में बनाते हैं, ये वो चटनी है। तो चलिए देखते हैं हमने इसको कैसे और किन किन चीज़ों से बनाना शुरू करते हैं कबाब। के नाम से हमेशा नॉन वेज कबाब की ही याद आती है, लेकिन आज हम बनाएंगे वेज कबाब, बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी होस्ट और दोस्त संगीता, मेरे घर की रसोई में आपका स्वागत है। आजकल सब्जियों की भरमार है। ये है ताजी मटर और ये है पालक। देखिए कितना बढ़िया पालक है, और ये बाजार का पालक नहीं है, हमारे घर का ही पालक है। कितने छोटे छोटे पत्ते हैं, बिल्कुल बिना खाद का पालक है। देखिए कितना सुंदर, कितना बढ़िया पालक है। तो इसी पालक से और मटर से आज हम कबाब बनाएंगे। आप अपनी ज़रूरत के अनुसार लें। मैंने ये एक कटोरी, मुझे जितनी ज़रूरत है मैं उसी हिसाब से बना रही हूँ। मैंने ये एक कटोरी मटर ली है, हरी मटर ताजी वाली। और बाई चांस आप बना रहे हैं ऑफ सीजन में और नहीं है तो आप फ्रोज़न मटर भी ले सकते हैं। ये मैंने पानी गर्म होना रख दिया था। और कोई भी हरी सब्जी पत्तों वाली उबालें तो पानी में थोड़ा सा चीनी ज़रूर डालें। इससे क्या होता है कि सब्जियों का रंग, पत्तों का रंग जो होता है बरकरार रहता है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। और इसमें हम अपनी मटर और इतना ही मैं पालक डालूंगी, और इनको बस ब्लांच भर करना है। हमें इनको अलट पलट के बस उबालना नहीं है, सिर्फ ब्लांच करना है। अभी पानी कोई खास गर्म नहीं है और ठंड भी अच्छी पड़ रही है, तो ये ऐसे लग रहा है हल्का सा गर्म पानी है, लेकिन उबलने के पॉइंट पे है पानी। अगर इसमें आपका बाजार का पालक है, मोटी मोटी डंडियां हैं, उन्हें काट दीजिए। ये तो बहुत ही बारीक, देखिए बिल्कुल कच्ची डंडी है, इसलिए मैंने छोड़ दी है। पालक और मटर दोनों ब्लांच हो चुकी हैं। इस स्टेज पे हम क्या करेंगे, ये मैंने लिया है आइस कोल्ड वाटर, और इसमें ये जो हमारी पालक और मटर हैं इनको हम डाल देंगे। इससे होगा क्या कि हमारे पालक की कुकिंग रुक जाएगी, गलेगा नहीं ज़्यादा, और इसका कलर भी ऐसे कैसा बना रहेगा। मटर के दाने देख रहे हैं आप कितने बढ़िया से, देखिए कितने फूल गए हैं। ताजी मटर का अलग ही टेस्ट होता है। ये मैंने, अब हम इसको छान लेंगे। पानी हमें बिल्कुल निकाल देना है, ये आइस क्यूब्स भी निकाल देंगे इसमें से। और जो ये हमारा पालक है इसको हम जितना निचोड़ सकें उतना इसका पानी निकाल देंगे। हमें इसमें बिल्कुल पानी नहीं रहने देना है, और हमें इसको अच्छे से निचोड़ के, जितना आप कस के निचोड़ सकें इसे निचोड़ दें और पानी को निकाल दें। हम इसके साथ एक बढ़िया सी चटनी भी बनाएंगे, जो कबाब के साथ खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। देखिए कितना पानी है, और अब हम इसे मिक्सी के जग में डाल के कोर्सली ग्राइंड करेंगे। बिल्कुल बारीक नहीं पीसना, हमें इसे बिल्कुल कोर्सली ग्राइंड करना है। मैं आपको दिखाती हूँ, जी देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने बारीक नहीं पीसना, हमें बिल्कुल कोर्सली ग्राइंड करना है। और जितना आप पानी निचोड़ लेंगे उतना आपका ये, और पीसते हुए पानी भी नहीं डालना, इस बात का भी ध्यान रखना है। अगर पानी डालना होता तो हम निचोड़ते ही क्यों इसको, हम ऐसे ही पीस सकते थे, इसलिए निचोड़ के इसको पीसें और बिल्कुल कोर्स पीसें। देखिए अब इसे मैं बॉल में निकाल लेती हूँ, आप इसी बॉल जग में हम चटनी पीस लेंगे, जो दही वाली चटनी सर्व की जाती है कबाब के साथ, वही चटनी बनाएंगे। ये मैंने एक अदरक का टुकड़ा, दो हरी मिर्च और ये हरा धनिया, जिसको मैंने अच्छे से धो लिया, इसमें डालूंगी आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच अमचूर पाउडर, आप चाहें तो नींबू भी डाल सकते हैं, और सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग जितना हमें डालना है उसका मैं थोड़ा हिस्सा काला नमक डालूंगी, और थोड़ा सा रेगुलर सॉल्ट, और हींग, दो आइस क्यूब्स डाल के मैं इस चटनी को पीस लेती हूँ। ये देखिए हमारी चटनी कितनी ग्रीन है और पिस गई, ये देखिए। अब हम इसको बिल्कुल जो होटलों में मिलती है दही वाली चटनी, इसको हम वैसा बनाएंगे। ये ली मैंने दही, दही आपका गाढ़ा होना चाहिए। देखिए मैं इसमें से पानी बिल्कुल हटा रही हूँ। ये मैंने 4 चम्मच दही ली, और इसको हम बिल्कुल स्मूथ कर लेंगे, इसमें बिल्कुल लम्स नहीं होने चाहिए। ये मेरी दही बिल्कुल स्मूथ हो गई, और आप देख रहे होंगे कितनी गाढ़ी दही है। दही जितनी गाढ़ी होगी आपकी चटनी उतनी अच्छी बनेगी। अब इसमें मैं 2 चम्मच जो ही हमने चटनी पीसी है ये डाल दूंगी, और इसको
अच्छे से मिला लेंगे। अब हमारी ये जो होटलों में मिलती है दही वाली चटनी बिल्कुल तैयार है खाने के लिए। देखिए कितनी बढ़िया चटनी बनी है। ये देखिए मैंने कुछ सब्जियां काट ली हैं। ये है बारीक कटी शिमला मिर्च, ये गाजर, ये गोभी, ये बीन्स, ये अदरक, ये हरी मिर्च, ये प्याज, इन सबको मैं अपने इस मिक्सचर में डाल दूँगी। ये जो हमने बनाया पालक और मटर का, ये मैंने डाली हरी मिर्च, मैंने ये दो हरी मिर्च काटी हैं और अदरक का टुकड़ा एक बड़ा सा, ये पांच बीन्स काटी हैं मैंने बारीक बारीक। जो भी सब्जी लें आप बिल्कुल बारीक काट के लें। ये शिमला मिर्च, मैं ये सब्जी डाल रही हूँ, आप इसके अलावा कोई भी सब्जी डाल सकते हैं। जो वैसे मैंने सर्दी की सभी सब्जियाँ डाल दी, डालने लायक तकरीबन, बस बंद गोभी को छोड़ा है। आप चाहें तो बंद गोभी को भी इसी तरह से बारीक बारीक चॉप करके डाल सकते हैं। ये गोभी और ये प्याज बारीक कटा, और इसमें मैं डालूंगी बाइंडिंग के लिए उबला आलू और पनीर, इनको हम कद्दूकस करके डालेंगे इस तरह से। अगर हम हाथ से क्रश करेंगे तो गांठे रह जाती हैं, थोड़े थोड़े मोटे पीस रह जाते हैं, तो हमारे कबाब को बिगाड़ देंगे, इसलिए मैं इसको कद्दूकस करके डालूंगी। और पनीर को भी मैं कद्दूकस करके ही डालूंगी। चलिए ये सब कर लेती हूँ और फिर दिखा। चलिए अब अपने इसमें हम कुछ फ्लेवरफुल मसाले डालेंगे इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए। मैंने इसमें हरी मिर्च बहुत डाली है, तो उस हिसाब से मैं थोड़ी कम हरी लाल मिर्च डालूंगी। हरा धनिया पाउडर, थोड़ा सा अमचूर पाउडर टेंगीनेस देने के लिए, और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाला, और टेस्ट के अकॉर्डिंग अब इनको हम अच्छे से मिलाएंगे। इसमें डालूंगी मैं ये हरा धनिया कटा हुआ। इसको बाइंडनेस और क्रिस्पनेस देने के लिए हम इसमें ब्रेड क्रम्स, ये मेरे घर के ही बने ब्रेड क्रम्स हैं, मैंने ब्रेड को हल्का सा रोस्ट करके, जो ब्राउन ब्रेड होती हैं ऊपर नीचे वाली, उनको और मिक्सी में घुमा लिया। और ये एक चम्मच कॉर्नफ्लोर, कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप आटा डाल सकते हैं, थोड़ी सी सूजी डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं, और इसको हम मिला लेंगे अच्छे से। ये मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। अगर आपको लगे कि आपका ठीक से बाइंड नहीं हुआ तो आप इसको थोड़ा सा और इसमें ब्रेड क्रम्स या कॉर्नफ्लोर डाल सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कम से कम डालें। अगर हम इसमें ब्रेड क्रम्स और कॉर्नफ्लोर ज़्यादा डाल देंगे तो हमारे कबाब टेस्ट दूसरा आएगा। आप इसको किसी भी शेप में रोल कर सकते हैं, लेकिन जो कबाब हरे भरे कबाब बनते हैं वो इसी शेप के बनते हैं। और इसका सिग्नेचर ये काजू इस तरह से लगाइए और प्रेस कर दीजिए। और बहुत ही हेल्दी हैं, हमने इसमें सब्जियां ही सब्जियां डाली हैं, और इसको हम फ्राई ना करें तो बिल्कुल सब्जियां सारी कच्ची हैं, कोई भी सब्जी हमने इसमें इस तरह से नहीं डाली जो नुकसान करे। इसी तरह से मैं सारे बना लेती हूँ। ये देखिए ये मैंने सारे अपने बना लिए। अब हम इनको चाहे तो डीप फ्राई कर सकते हैं, चाहे तो शेलो फ्राई कर सकते हैं, चाहे तो बेक कर सकते हैं, चाहे तो एयर फ्रायर में भी हम इसको बना सकते हैं। मैं इनको शेलो फ्राई करूँगी। ये रखा पैन और इसमें मैं डालूँगी घी, आप चाहें तो तेल में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इनको शेलो फ्राई कर रही हूँ तो मैं घी में ही कर रही हूँ। देखिए हमारा घी गर्म हो गया और ये हमने जो कबाब बनाए हैं, मैं तो शेलो फ्राई कर रही हूँ पूरी तरह से हेल्दी बनाने की कोशिश। आप चाहें तो डीप फ्राई कर सकते हैं। अब इन्हें सिकने देते हैं। इन्हें हम हल्की आंच पे सेकेंगे क्योंकि हमने सब्जियां सारी कच्ची डाली हैं, अंदर तक सिक जाएं इस तरह से सेकेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ये एक नीचे की तरफ से, ये देखिए कितना अच्छा सा गोल्डन ब्राउन हो रहा है। इसे हल्की आँच पर सेकेंगे तो आपके बहुत कुरकुरे बनेंगे। और इसे हम जैसे नहीं बनते हैं कई बारी तो हम ब्रेड क्रम से रोल करके या सूजी से रोल करके बनाते हैं, उस तरह से इनको नहीं बनाया जाता, इनको इसी तरह से बनाया जाता है। इनके अंदर आप थोड़ा सा ब्रेड क्रम डालिए, अगर आपके पास वो नहीं है तो आप थोड़ा सा सूजी डाल सकते हैं, चावल का आटा डाल सकते हैं, लेकिन इसके अंदर ही मिलाना है, ऊपर से हमें कोट नहीं करना। कबाब हमेशा ऐसे बनाए जाते हैं। देखिए कितने अच्छे से सिक रहे हैं। बस शुरू में थोड़ा सा गर्म होना चाहिए जिससे कि हमारी
कबाब चिपके नहीं नीचे। उसके बाद तो ठीक से हल्की आंच पे सेकेंगे तो हमारे ज़्यादा अच्छे बनेंगे, सिक जाते हैं। फिर मिलते हैं। सब डरते हैं कबाब बन रहे हैं तो नॉन वेज होंगे, लेकिन देखिए कितने हेल्दी टेस्टी कबाब हमारे तैयार हो रहे हैं। ये हमारे कबाब बिल्कुल तैयार हैं। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं और सर्व करते हैं। ये देखिए कितने बढ़िया हमारे कबाब सीखे, और ना इनमें तेल भरा है, चटनी हमारी तैयार है। तो चलिए अब इन्हें हम सर्व कर लेते हैं। ठीक है, अब इन्हें मैं सर्व कर लेती हूँ। देखिए कितने बढ़िया हमारे कबाब तैयार हुए हैं। इसे चाहे तो आप हरी चटनी के साथ, चाहे दही की चटनी के साथ, चाहे टमाटर सॉस के साथ, कैसे भी सर्व कर सकते हैं। देखिए ये हमारी है हरी चटनी, रेस्टोरेंट स्टाइल दही वाली जो होती है, ये इस कबाब के साथ बहुत ही टेस्टी लगती है। इतने मैं ये सर्व कर रही हूँ। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी ज़रूर करें, और कमेंट्स में मुझे बताएं कि आप बनाते हैं इस तरह से कबाब। और ये देखिए ग्रीन चटनी जो नॉर्मली हम बनाते हैं वो है, आप किसी से भी खाएं, बहुत ही टेस्टी और हेल्दी बने हैं। तो अभी टेस्ट कीजिए और बताइए कैसे बने हैं। थैंक यू।